ये नंदनी एंटरप्रेन्योर की इलेक्ट्रिक पाइप थ्रेडिंग मशीन है और ये एक हैवी मशीन है। इसका जो साइज है वो हाफ से लेकर 4 इंची है। दिस इज हैवी ड्यूटी मशीन एंड द साइज इज हाफ टू 4 इंची। इस मशीन के अंदर हम थ्रेडिंग और कटिंग चैम्बरिंग तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तीनों कर सकते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको, ये इसमें कटिंग हैंडल है, कटिंग करने के लिए है। पूरा प्रोसेस बताएंगे, मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं। ये इसके अंदर कटिंग करने के लिए है और इसके अंदर 2 डाई हेड असेंबली होती है, 2 डाई हेड असेंबली इसके अंदर लगी हुई होती है। तो फर्स्ट जो है ये स्मॉल डाई हेड असेंबली इसको बोलते हैं। इसमें साइज देखेंगे ये हाफ से 2 इंची है, ओके। एंड सेकेंड जो डाई हेड असेंबली है ये है आपका 2.5 से 4 इंची, राइट। दिस इज बिग डाई हेड असेंबली, ये बड़ी डाई असेंबली है। अगर आपको 2.5 से लेकर 4 तक का थ्रेड करना है तो इसको सेट करना होगा। अगर हाफ से लेकर 2 इंची तक का थ्रेड करना है तो ये सेट होगा। तीसरा ये रैमलिंग है, तो चैम्बरिंग भी बोल सकते हैं, चैम्बर। ये रैमलिंग करने के लिए यूज होता है पाइप में। अभी हम आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से चलती है। इसके अंदर स्लो फास्ट हैंडल लगा हुआ है। अगर हाफ से 2 इंची की थ्रेडिंग करनी है तो आप फास्ट पे करेंगे और 2.5 से 4 तक की करनी है तो आप स्लो पर करेंगे। तो ये बहुत इजीली सेट होता है। ये अभी बताएंगे कैसे सेट होता है मशीन की। जब आप मशीन को ऑपरेट करेंगे तो मशीन के स्टैंड आपको सेट करना होगा, स्टैंड के ऊपर लगाना होगा। अभी हम सिर्फ चला के दिखा रहे हैं हमारे कस्टमर की डिमांड पर, तो उस हिसाब से मैं आपको इसमें ऑपरेटिंग पूरा सिस्टम आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी। बताइए अभी हमारे पास पाइप कौन सा है। 3 इंची का हमारा पाइप है, यानी कि 80 mm का। डाई हेड असेंबली सेट करो, बहुत इजी है डाई हेड असेंबली इसके अंदर सेटिंग करना। आप ये देखेंगे इसको इजीली हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये हम 2.5 से 4 इंची, 2.5 to 4 इंची डाई हेड असेंबली जो है हम इसके अंदर सेट करेंगे। नॉर्मल इजीली सेट हो जाता है ये। ये फिर जाके लॉक हो जाता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो इंटरनल कंप्रेशन स्प्रिंग, वो 1.5 से 2 इंची में होता है, 1.5 से 4 इंची में नहीं होता। तो ये आराम से इजीली सेट हो जाता है। अब हम आपको पाइप को डाल के थ्रेडिंग करना बताएंगे। इसके अंदर पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद थ्रेडिंग करेंगे। अभी ये बिग साइज का लंबा पाइप है तो हम इसे बैक साइड से पाइप को इसके अंदर डालेंगे मशीन के अंदर। यह हैमरचिक बॉडी है पाइप को डालने के लिए और लगाने के लिए सेट करने के लिए टाइट किया जाता है। हैमरचिक प्लेट से हम इसे टाइट करेंगे। दिस इज हैमरचिक प्लेट। इस पाइप को सेंटर में टाइट किया जाएगा। और बैक साइड से भी टाइट करेंगे, रियर हैमरचिक बॉडी से। तो ये लॉन्ग लेंथ है तो इसलिए हम इसे टाइट करेंगे। अब इसमें कटिंग करके दिखाएंगे। रैमलिंग के लिए हम इसकी सेटिंग करते हैं, देन अगेन ऑन करेंगे मशीन को। हमने स्लो फास्ट हैंडल को सेट कर दिया स्लो पर, क्योंकि ये 3 इंची का पाइप है, 80 mm का पाइप है, तो ये हमें स्लो पर ही चलाना है।
डायल स्केल है। ये इसके अंदर जो प्लेट है, स्लाइड प्लेट है, इसमें मार्क लगा होता है, इसको देखकर हम जितने साइज का पाइप है हम सेट कर सकते हैं। अभी ये 3 इंची का पाइप है तो हमने 3 पर इसको सेट किया है। नाउ स्टार्ट द थ्रेडिंग। इसमें ऑटोमेटिक सर्कुलेशन होता है ऑयल का, लेकिन अभी हमने नहीं डाला तो हम इसे ऊपर से ऑयल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिक सर्कुलेशन है। एक्चुअली डाल दिया है ताकि पता चले कि ऑयल का जो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली होता है इसके अंदर। अब आप देखेंगे इसमें ऑयल आ रहा है, डायरेक्ट असेंबली के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑयल आता है और टैंक के अंदर ऑटोमेटिकली जाता है। के बाद थ्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है, ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा थ्रेडिंग होने के बाद। रोलर डाउन हो गया है, इसका मतलब ये थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया है। ब्रश के साथ इसको क्लीन कीजिए, ब्रश के साथ क्लीन कीजिए। नाउ द थ्रेडिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। आप इसमें लेंथ सेट कर सकते हैं, ये लेंथ चेंज असेंबली है, आप छोटा सा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।